बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की फिल्म धाकड़ रिलीज हो चुकी है। रजनीश घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कंगना रनावत एक रॉ एजेंट अग्नि की भूमिका में हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी अहम किरदार में नजर आएंगे। कंगना का अंदाज ऐसा है जैसे टाइगर सीरीज में सलमान का था या फिर अक्षय कुमार का बेबी में था। वो एक ऐसे सुपर एजेंट के किरदार में नजर आ रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर घूंसे मारकर दुश्मनों को मार गिराती है। ये देखना काफी औसम है। कंगना भेष बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर देश के दुश्मनों को खत्म करती नजर आ रही है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें जबरदस्त एक्शन के साथ इमोशन और ग्लैमर का भी संगम है। बीते कुछ महीनों में जितने भी फिल्म रिलीज हुई है, धाकड़ की धमक उन सभी से काफी ज्यादा है। कहा जा सकता है कि ये एक श्रेष्ठ एक्शन थ्रिलर है। अपने दम पर कंगना रनावत ने पूरी महफिल लूट ली है। अब बात करेंगे कहानी की। ये कहानी अग्नि की है जिसके पिता की हत्या तक कर दी जाती है जब वो काफी छोटी थी। उसके दिमाग में पिता की हत्या का ऐसा सदमा बैठा कि रोज खतरों से खेलने के बावजूद पिता की हत्या का सीन सोचकर सिहर उठती है। रुद्रवीर यानी अर्जुन रामपाल फिल्म के खलनायक हैं। वो कोयला चोरी और लड़की सप्लाई के धंधे में हैं और अपने पिता की भी हत्या कर दिया था। उसकी पार्टनर रोहिणी यानी दिव्या दत्ता इस धंधे में उसका साथ देता है। कंगना इन दोनों के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम देता है। इस फिल्म से कंगना रनावत को एक्शन अदाकारा के रूप में नई पहचान मिलेगी। कंगना ने इस फिल्म में जिस तरह स्टंट और एक्शन किए हैं जो किसी के लिए करना आसान नहीं है, अभी तक एक्टर्स को ही इस तरह के स्टंट करते हुए देखा गया है। कंगना ने पहले सीन से ही लगा दी है। मूवी में कोई हीरो नहीं है तो पूरी फिल्म की हीरो ही कंगना है। वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को आगे ले गए हैं। कंगना के शानदार एक्शन सीन्स और अलहदा तेवर प्रभावित करते हैं। सिनेमेटोग्राफी, कलाकारों की गेटअप, स्क्रीन प्ले और संवाद कमाल का है। डायरेक्टर रजनीश घई ने एक जबरदस्त थ्रिलर बनाई है और नई लाइन खींच दी है। एक बात जो दर्शकों को अखड़ सकती है वो है फिल्म में कंगना के डायलॉग कम और एक्शन ज्यादा है। वो बोलती कम है और एक्शन ज्यादा करती है।